खबर है कि चीन एलएसी के पास कंस्ट्रक्शन तेज कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास निर्माण कार्य से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हुआ। कहा जा रहा है कि वीडियो में चीन के एलएसी के पास निर्माण कार्य करने से जुड़े सबूत हैं, जो एलएसी के पास चीन की बड़ी साजिश की पोल खोल रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि ये वीडियो एलएसी के पास बसे अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय लोगों ने 11 अगस्त को बनाया था, जिसमें खुदाई करने वाली दो बड़ी बड़ी मशीनें दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा सेना के कुछ लोग भी वहां काम करते दिखाई दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के सीमा के पास बसे अंजॉ जिले के लोगों ने दावा किया कि वीडियो में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसे चीन की सेना करवा रही है, जो एलओसी के पास अशांति की वजह बन सकती है। वैसे ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार खबर आ चुकी है कि चीन एलएसी के पास निर्माण का काम कर रहा है, जिसके जवाब में भारत ने भी एलएसी के पास अपनी आखिरी पोस्ट तक निर्माण कार्य किया। यही नहीं, वहां 100 घरों वाला एक गांव भी बसाया गया। सुरक्षा बल ने एलएसी के पास गश्त भी तेज कर दी, यानी चीन की हर उकसाने वाली हरकत का जवाब देने के लिए भारत। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है, जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तैयार है, क्योंकि गलवान हिंसा के बाद चीन एक बार भी चुप नहीं बैठा है। वो लगातार भारत के खिलाफ चाले चल रहा है। वो कभी एलएसी पर मिलिट्री ड्रिल करता है तो कभी विकास कार्य करता है। यही नहीं, सूत्र बता रहे हैं कि चीन अपनी सेना में तिब्बत और नेपाल के ऐसे लोगों को शामिल कर रहा है जिन्हें हिंदी भाषा आती है। इसके अलावा वो एलएसी के पास सड़क, रेल और एयर कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है, जिसका जवाब देने के लिए भारत ने भी कमर कस ली है। बीआरओ ने सड़कें बनाकर चीन को चुनौती दी और भारतीय सेना लगातार चीन के सैनिकों को उनकी हद याद दिला रही है।